हाय गाइस, पेडलवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यार, बारिश की वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कॉलोनी के अंदर। जो मेरी कॉलोनी है और बैक साइड की जो दीवार है, आपको पता ही है, वहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन खुला हुआ था, तो हमने वहाँ पे जो है ना जाली लगा रखी थी। और जाली की वजह से जो पानी था, रात में बारिश होती थी, वो पूरा पानी अंदर आ रहा था और अंदर आने से काफ़ी ज़्यादा अंदर गंदा हो रहा था और स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा यार बर्ड्स कर रहे थे। फाइनली यार आज क्या किया, मतलब दो दिन से हमने और मेरे भाई ने मिल करके दोनों लोगों ने पीछे की जो है ना जो पूरी दीवार है उसको खड़ी कर दिया। और सब ने मिल करके जो है ना हम लोगों ने खड़ी कर दिया। दीवार खड़ी करने के बाद में बर्ड्स का केज अच्छे से सेट कर दिया है। सेट करने के बाद में बजीज का जो केज है वो भी बेहतरीन तरीके से सेट कर दिया है एकदम अच्छे से। अब एक चेंजेस करना है मुझे। चेंजेस क्या करना है, जो मेरा कॉकटेल है ना उसको मैं सोच रहा हूँ कि रिलीज़ कर दूँ, खोल दूँ इसको, इसी में रख दूँ और ये जो बॉक्स है ना उसी के अंदर वो ब्रीड करें, मैं ऐसा चाहता हूँ। क्योंकि जो कॉकटेल का केज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बेकार है, उसको हटाना ही है मुझे। और मेरा प्लान ये बन रहा है कि मैं इस कॉलोनी को एक कॉकटेल की कॉलोनी में चेंज कर दूँ। मतलब इसके अंदर तकरीबन जो है ना 10-12 पेयर कॉकटेल के ला करके रखें और बजीज की जो कॉलोनी साइड में आप देख रहे हैं रखी हुई है उसको हम वैसे ही रखा रहने देंगे और कॉकटेल की जो कॉलोनी है वो जो है ना मतलब इसी को, पूरे एरिए को कॉकटेल के लिए बनाने का मेरा प्लान है। और अभी तो मेरे पास एक ही पेयर है जो ब्रीड कर रहा है माशाल्लाह, और हम पेयर लाने वाले हैं कुछ दिन में, हमें जो है ना एक गिफ्ट मिलने वाला है उसका भी रिव्यू हम आपके साथ में करेंगे। और बर्ड्स भी हमें और लाने हैं, वो भी हम जो है ना आपको साथ में शेयर करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हम क्या करने वाले हैं, हम जो है ना पूरा जो पीछे का पोर्शन है ना उसको अच्छे से जो है ना क्या करेंगे, वाइट पेंट से पेंट कर देंगे। और कॉलोनी को भी जो है ना एक बार पेंट करना है फिर से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है, गंदी हो गई है, तो थोड़ा सा मौसम जैसे ही अच्छा होता है फिर हम जो है ना कर देंगे, पेंट कर देंगे इसको, फिर से एक नया लुक देंगे। और कॉकटेल के लिए जो है ना मैं सोच रहा हूँ कि कॉकटेल को हम जो है ना इसके अंदर रिलीज़ कर दें, इसमें ही छोड़ दें, खुला रहने दें, ताकि वो जो है ना मतलब अच्छे से यहाँ पे घुल जाए। और मैं नहीं चाहता कि यार दोबारा से ये जो है ना इसी के अंदर ब्रीड करें। अब मेरा प्लान ये है कि ये जो है ना खुले में ब्रीड करें और खुले में ही ये रहें। फिलहाल लेके चलते हैं आपको कॉलोनी के अंदर और वहाँ से दिखाते हैं आपको। गाइस ये देखिए, जो पीछे का पूरा पोर्शन है ना, यहाँ से पानी काफ़ी ज़्यादा एंटर कर रहा था और इस वजह से जो है जो बर्ड्स थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी यहाँ पे। लेकिन अब क्या है कि अब पानी का आने का कोई चांसेस नहीं है, हमने अच्छे से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। पानी तो कहीं से नहीं आएगा, लेकिन बस ये है कि जो है ना जो मेरा प्लान है वो मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर जो है ना पूरी इस दीवार पर हम जो है ना सिर्फ कॉकटेल के बॉक्स लगाएंगे और ये पूरे खुले एरिया में कॉकटेल रहेंगे एंड ये बजीज रहेंगे, इनको हम जो है ना हटा देंगे। फिंचेस अब मैं नहीं रखना चाहता हूँ, बस हो गया अब फिंचेस, अब फिंचेस नहीं रखनी मुझे, मैं ये फिंचेस हटाने वाला हूँ बहुत जल्दी। और फिंचेस हटा करके हम जो है ना अगर कोई और बर्ड्स लाना होगा तो लाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा पूरा फोकस कॉकटेल के ऊपर है। मैं सिर्फ और सिर्फ कॉकटेल लाना चाहता हूँ और कोई सा भी बर्ड्स हम नहीं लाना चाहते, हम लाना चाहते हैं सिर्फ कॉकटेल। और कॉकटेल ला करके हम जो है ना यहाँ पे रखेंगे आराम से। और अभी पूरा यार ये सब जो है ना पहले पेंट कर देंगे, उसके बाद ही हम जो है ना लेकर के आएंगे कॉकटेल, तब ला करके यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ये बजीज के कुछ बॉक्सेस हैं जो कि इस कॉलोनी के थे, निकाले थे यहीं पे, अभी रख दिए हैं, शिफ्ट कर दिए हैं, इनको भी यहाँ से हटाना है। और बजीज की कॉलोनी एकदम परफेक्ट है, ठीक है, एक सीजन और इसका जो है ना यहाँ पे अभी होगा और उसके बाद इनके लिए भी मैंने कुछ सोच रखा है, वो भी हम जो है ना आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ ये थी मेरी एक बहुत छोटी सी वीडियो, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कुछ सवाल है, कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताएं। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।